ओम साई राम। मैं याशिका साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ महापरायण से जुड़े हुए अद्भुत चमत्कारों की व्याख्या। भक्तों, महापरायण से जुड़ने के बाद हम सभी की ज़िंदगी में बाबा की कृपा से अनेकों चमत्कार हुए हैं। ऐसे ही एक भक्त जो कि जम्मू से हैं, उनका नाम है रजनी गुप्ता जी। आज मैं उन्हीं के महापरायण से जुड़े हुए एक अद्भुत चमत्कार की व्याख्या आप सभी के साथ साझा करूंगी। तो इनके पास बाबा के लीलाओं के बहुत सारे चमत्कार हैं। उनमें से एक ये है कि एक बार इनके डायमंड के इयररिंग्स का पैर जो था वो कहीं खो गया था, और ये जो इयररिंग्स थे ना वो इनके लिए बहुत स्पेशल थे। वो इसलिए क्योंकि ये उनकी बेटी ने अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें उनके बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी बेटी ने अपनी मेहनत से कुछ कमाया और अपनी माँ को एक तोहफा दिया, वो भी डायमंड के इयररिंग्स का, तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए एक बहुत ही प्राउड की बात होगी कि उनकी बेटी आज इस लायक है कि वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट की अर्निंग कर पाई, है ना। सो, इसलिए उनके लिए ये इयररिंग्स बहुत ही स्पेशल थे, उनके दिल के बहुत ही करीब थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो कहीं रख कर भूल गई, या उनसे ये इयररिंग्स का पेयर जो था वो गुम हो गया। और वो एक बहुत ही पॉजिटिविटी रखने वाले इंसान हैं और हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में ही देखती हैं और ज़्यादा बाबा को परेशान नहीं करती हैं कि बाबा मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हुआ या बाबा में ये चीज़ क्यों खो गई। वो ऐसा नहीं करती हैं, छोटी मोटी बातों के लिए वो बाबा को परेशान नहीं करती हैं। तो ये भी उन्होंने सोचा कि छोटी सी बात है, इसके लिए बाबा को क्या परेशान करना। लेकिन मन ही मन वो ये भी सोचती थी कि वो इयररिंग्स उनके लिए कितने स्पेशल थे, क्योंकि उनकी वो बेटी की मेहनत की कमाई से लिए हुए थे। तो एक दिन वो बाबा से कहती भी हैं कि बाबा, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना तो प्लीज़ मेरी ये आवाज़ सुनना, मेरी बेटी ने बहुत प्यार से मुझे वो इयररिंग्स ला के दिए थे, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से। इसमें मेरी बेटी के प्यार के साथ साथ उसकी बहुत सारी मेहनत भी जुड़ी हुई है। तो बाबा प्लीज़ मुझे संकेत देना कि वो इयररिंग्स कहाँ पर हैं। वो हर जगह बार बार सेम जगहों पर अपने इयररिंग्स को ढूंढती रही, और यकीन मानिए बाबा से कहने के बाद जिस जगह पे वो पहले ऑलरेडी देख चुकी थी ना, और जहाँ उन्हें निराशा के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें वहाँ पे अपने इयररिंग्स नहीं मिले थे, बाबा से प्रे करने के बाद उन्हें उसी जगह पर वो इयररिंग्स मिल जाते हैं। इस तरीके से बाबा ने उनकी ज़िंदगी में इतना एक खूबसूरत सा चमत्कार किया कि उनकी बेटी की सेंटिमेंट्स जिसके साथ जुड़ी थी वो चीज़ उनकी नज़रों से खो गई, और बाबा ने किस तरीके से उसे ढूंढ करके अपने भक्त को वापस कर दिया। हमारे बाबा तो हैं ही बहुत प्यारे, हम सबकी मन की बात बिना बोले भी जान जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा हम सबकी सहायता करते हैं, हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। महापरायण से जुड़ने के बाद हम लोग खुद अपनी अंतरात्मा से खुद को बाबा के और करीब महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी एटलीस्ट, अगर हम ज़्यादा ना सही, एटलीस्ट हम महापरायण का हिस्सा बन के हफ्ते में एक बार एक सामाजिक प्रेयर का पार्ट ज़रूर बन ही सकते हैं। तो इस तरीके से बाबा के बहुत सारे अद्भुत चमत्कार और भी हैं, और भी भक्तों के, जो कि मैं आप लोगों के साथ आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर साझा करूँगी। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के पास भी अगर कोई एक्सपीरियंसेस हो तो आप साईं पूजा चैनल पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अनुभव भी हम लोग आगे शेयर करेंगे। बाबा की अद्भुत महिमाओं का तो कहना ही क्या, जितना भी तारीफ करें उतनी कम है। जितने भी लोगों के पास एक्सपीरियंसेस हों वो ज़रूर शेयर करें, और महापरायण से जुड़ने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। चैनल से जो भी रिलेटेड हैं वो आपकी सहायता करेंगे महापरायण से जुड़ने के लिए। और साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
आपको बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, मोटिवेशन बहुत मिलेगी। आप ज़रूर साईं पूजा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओम साईं राम, जय साईं राम।